तो चलिए आज हम आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट वन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था और पार्ट टू आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप लोग को पता है कि जो अमिताभ घोष हैं, इसके एक राइटर हैं और ये चैप्टर किसके बारे में है, एक उनके फ्रेंड के बारे में जिनका नाम आगा शाहिद अली है और जो कि ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त चल रहे थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एंड ही हैज़ जस्ट टोल्ड टू हिज फ्रेंड मिस्टर अमिताभ घोष आफ्टर डाइंग आफ्टर लिविंग द वर्ल्ड दैट ही शुड राइट द बायोग्राफी अबाउट हिम। तो जो मिस्टर आगा शाहिद अली हैं, उन्होंने अपने दोस्त अमिताभ घोष से बोला था कि उनके मरने के बाद उनके बारे में एक बायोग्राफी लिखी जाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनको मना करना चाहा, लेकिन आगा शाहिद थोड़े से जिद्दी टाइप के, तो उन्होंने अपनी बात को मनवाया और अमिताभ घोष राज़ी हो गए उनके लिखने के लिए उनके बाद। और अमिताभ घोष को सबसे ज़्यादा एक किताब पसंद आई थी जो कि हमारे आगा शाहिद जो अली हैं इन्होंने लिखी हुई थी। तो उस किताब का नाम पहले आपको हम अंडरलाइन करा देते हैं, ठीक है, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो ये किताब लिखी हुई थी इन्होंने, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कि इनको अमिताभ घोष को, और लिखी किसने थी, आगा शाहिद। तो दोनों यहाँ पर राइटर हैं और एक राइटर दूसरे राइटर से ही बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि उनके मरने के बाद आपको ऐसा ऐसा प्रॉमिस निभाना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इन 1998 आई क्विटेड अ लाइन फ्रॉम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस इन एन आर्टिकल दैट टच्ड ब्रीफली ऑन कश्मीर। और यहाँ जो अमिताभ घोष हैं वो लिख रहे हैं कि 1998 में उन्होंने क्या किया था, एक जो लाइन है कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस से एक लाइन ली थी और उन्होंने वो लाइन एक आर्टिकल में जोड़ दी थी, ठीक है, जिसमें कश्मीर के बारे में संक्षिप्त तरीके से लिखा गया था। एट द टाइम ऑल आई न्यू अबाउट शाहिद वॉज दैट ही वॉज फ्रॉम श्रीनगर। उस समय जो आगा शाहिद के बारे में अमिताभ घोष जानते थे, वो सिर्फ इतना ही जानते थे कि वो श्रीनगर से हैं और आपको पता है कि श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर की एक स्टेट है, ओके, एंड हैड स्टडीड इन दिल्ली, और इनको ये पता था कि वो दिल्ली में पढ़े हैं। आई हैड बीन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी माई सेल्फ, यानी कि जो अमिताभ घोष है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही थे, बट ऑल दो आवर टाइम देयर हैड ब्रीफली ओवरलैप्ड, वो शायद ही, मतलब उनका जो टाइम है वो शायद ही उन्होंने उनसे मिले थे, किनसे, शाहिद आगा शाहिद थे, बड़ी मुश्किल से ही शायद उनका मिलना होता था, वी हैड नेवर मेट, ठीक है, वो भले ही इस स्कूल में पढ़ते थे लेकिन मिलना बहुत ही कम होता था। वी हैड फ्रेंड्स इन अ कॉमन अवेयर, और हम लोग के जो दोस्त थे बिल्कुल कॉमन थे, दोनों जो फ्रेंड्स आगा शाहिद के थे वही अमिताभ घोष के थे। एंड वन ऑफ देम पुट मी इन टच विद शाहिद, और उनमें से एक जो दोस्त था उसने उनकी मुलाकात, अमिताभ घोष की मुलाकात शाहिद से करवाई थी इन 1998 एंड 1999, ठीक है, वी हैड सेवरल कन्वर्सेशन ऑन द फोन एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, यानी कि इन दो सालों में उन लोगों ने फ़ोन पर बहुत सारी बातचीत की और कई बार मिलने की भी मिले भी, बट वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंसेस, ठीक है, अनटिल ही मूव टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर। और इसके बाद जब वो ब्रुकलिन आ गए तो उनकी जो एक्वेंटेंसेस है, जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, वी वर नो मोर देन एक्वेंटेंसेस अनटिल ही मूव टू ब्रुकलिन, इसका मतलब ये होता है कि जब तक वो ब्रुकलिन नहीं पहुँचे, ठीक है, तब तक उन लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि मतलब ये है कि वो ब्रुकलिन आए और ब्रुकलिन में ही अमिताभ घोष रहते थे और ब्रुकलिन में ही समीता जो कि शाहिद आगा अली की सिस्टर है, ठीक है, वो वहाँ पर रहती थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड, अब वो क्या हो गया, उस एक बार ये लोग क्या हो गए, उसी नेबरहुड में आ गए, वी बिगिन टू मीट फॉर ओकेजनल मील्स एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन, और उसके बाद ये लोग ओकेजनली मिलने लगे मील्स पर, ठीक है, और उन्होंने पता लगाया कि उन लोग की जो डील है एकदम कम्युनिकेशन है वो एकदम कॉमन है। बाई दिस टाइम ऑफ कोर्स
शाहिद कंडीशन वॉज ऑलरेडी सीरियस, उस समय जो शाहिद की कंडीशन थी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, येट हिज इलनेस डिड नॉट इम्पेड द प्रोग्रेस ऑफ आवर फ्रेंडशिप, और हालांकि उनकी जो बीमारी है उनकी बीमारी उनकी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आई। ठीक है, वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, और उन्होंने देखा कि इनके मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं और एल्सवेयर कहीं ना कहीं भी हैं। वी डिस्कवर शेयर ऑफ रोगन जोश। अब ये क्वेश्चन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि रोगन जोश, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगन जोश क्या होता है? रोगन जोश एक मीट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा रोगन वगैरह होते हैं और लोग उसको बड़े चाव के साथ खाते हैं। यहाँ पर बात बताई जा रही है, अच्छा, अमिताभ घोष और आगा शाहिद ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, आप सभी को पता है, और इन लोगों ने ये शेयरिंग भी करना शुरू कर दी थी। ओके गाइस, अब आगे देखते हैं। और यहाँ जो रोशन आरा बेगम है उनको भी ये चीज़ रोगन जोश बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि रोशन आरा भी एक राइटर हैं। एंड किशोर कुमार, और किशोर कुमार के इन लोग को गाने सुनना बड़ा पसंद था। अ म्यूचुअल इंडिफरेंस टू क्रिकेट, और दोनों को आगा शाहिद और अमिताभ घोष इन दोनों को किसी को भी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं था। एंड इक्वल अटैचमेंट टू ऑल बॉम्बे फिल्म्स, हाँ बस मुंबई की जो फिल्म्स थी उनको दोनों को इक्वल अटैचमेंट था उसमें। बिकॉज ऑफ शाहिद्स कंडीशन इवन द मोस्ट ट्रैवल एक्सचेंज हैड अ स्पेशल चार्ज एंड अर्जेंसी। अब यहाँ बता रहे कि जो शाहिद की जो कंडीशन थी वो बहुत मतलब धीरे धीरे एक स्पेशल चेंजेस ले रही थी, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं था। ठीक है, द इंस कैपेबल पोजिनेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट फूड एंड हाफ फॉरगेटेन फिगर्स फ्रॉम द पास्ट व्हेन विद अ मैन हु न्यू हिमसेल्फ टू बी डाइंग। ठीक है, विद मल्टीप्लाइड इन दिस इंस्टेंट बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वॉज ऑल्सो अ पोएट हु हैड अचीव ग्रेटनेस पर हैव द ओनली सच दैट आई शेल एवर नो एज अ फ्रेंड। ओके गाइस, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो आगा शाहिद अली हैं, ठीक है, वो ना जब कहीं जाते थे दोस्त के अपने दोस्त के साथ हमेशा अमिताभ घोष के साथ, तो वो ना खाना खाते खाते समय इस तरह की बातें करते थे कि उनकी बातों को सुनकर, ठीक है, वो पूरी तरीके से वो भूल जाते थे कि उनके उनको कुछ है, किसको, अमिताभ मतलब आगा शाहिद को कुछ है, और वो उनकी कुछ बातें अमिताभ घोष के अंदर जोश भर देती थी। और वो ये बता रहे हैं कि बाय द, यहाँ तो देखते हैं, इन दिस इंस्टेंस बाय द नॉलेज परहैप्स सॉरी बाय द नॉलेज दैट दिस मैन वाज आल्सो अ पोएट, और फिर उसके बाद पता चलता है कि नॉलेज के अकॉर्डिंग वो भी एक पोएट है, हु हैड अचीव ग्रेटनेस, जिन्होंने बहुत सी ग्रेटनेस अभी अचीव किए हुए हैं। परहैप्स द ओनली सच दैट आई शेल एवर नो एज अ फ्रेंड, और जिसको मैं जानता हूँ मतलब पोएट की तरह, पोएट के साथ साथ मैं उसको ये भी जानता हूँ कि वो मेरा एक दोस्त है। वन आफ्टरनून, एक आफ्टरनून, द राइटर सुकेतु मेहता हु ऑल्सो लिव्स इन ब्रुकलिन, एक बार क्या हुआ, एक आफ्टरनून जो राइटर हैं सुकेतु मेहता वो भी क्या है ब्रुकलिन में रह रहे थे, उन्होंने ज्वाइन हम लोग को ज्वाइन किया लंच के लिए। टुगेदर वी हैच्ड अ प्लान फॉर एन अड्डा, और अचानक हम लोग ने अड्डे पर गए। अड्डा एक हिंदी वर्ड है, उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, अ गैदरिंग दैट हैज़ नो एजेंडा, बिना किसी रीज़न के कोई भी मतलब कहीं पे भी चले जाओ, अड्डे पे खड़े हो जाओ, वो बोलते हैं। अदर देन कन्वीवियलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूं ही बातचीत करने के लिए। शाहिद वॉज इंथुजियास्टिक एंड वी बिगेन टू मीट रेगुलरली, और शाहिद बड़ा जोशीला था और हम लोग क्या करने लगे, रोज़ मिलने लगे। फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस, और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे और भी जो राइटर्स थे उन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ऑन वन ओकेशन अ क्रू अराइव्ड विद अ टेलीविजन कैमरा, एक ओकेशन में, ठीक है, एक कैमरा मैन आ गए, उनको कैमरे उनके उनका वीडियो बनाने लगे। ठीक है, शाहिद वॉज नॉट एट लीस्ट बिट पुट आउट, और शाहिद इस चीज़ से बिल्कुल भी घबराया नहीं था, उसको बड़ा शौक था इसका। और हम शोले सुबह बोलते थे कि मैं तो आम सो शेमलेस, मतलब वो तो मैं बहुत ज़्यादा बेशर्म हूँ, आई जस्ट लव द कैमरा, मुझे कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कौन बोलता है, शाहिद आगा। शाहिद हैड अ सॉर्सेसर्स एबिलिटी टू ट्रांसम्यूट द मुंडेन इनटू द मैजिकल। ठीक है, शाहिद के पास एक ऐसी एबिलिटी थी कि वो किसी भी मतलब एक मुंडेन चीज़ को, यानी कि एक किसी भी बुरी चीज़ को भी एकदम
खुशी में तब्दील कर देते थे। वंस आई अकम्पनीड इकबाल हिज ब्रदर, एक बार वो उनके साथ इकबाल के साथ, और इकबाल जो कि शाहिद आगा के, आगा शाहिद के भाई हैं और उनकी बहन हीना, ठीक है ठीक है, ऑन अ ट्रिप टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से वो कहाँ ले गए, उनको घर पर ले गए एक बार। दिस वॉज 21 मई, और वो टाइम कब था, 21 मई का। बाई दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशन, और उस समय में उसके कई अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हुए, यानी कि कामयाबी नहीं मिली। ना ही वॉज बेक इन हॉस्पिटल टू अंडरगो असर सर्जन प्रोसीजर दैट वॉज इंटेंडेड टू रिलीव द प्रेशर ऑन हिज ब्रेन। अब वहाँ पर उनके जो सर्जन थे, उन्होंने उनके ब्रेन में, उनको जो प्रेशर था लेकिन ब्रेन में, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया था, इस तरह से कुछ कर दिया था कि उनको जो प्रॉब्लम पहले हो रही थी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, अब नहीं हो रही है। हिज हेड वॉज शेप्ड, उनका जो सिर था बिल्कुल शेप्ड कर दिया गया, एंड द शेप ऑफ अ ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बियर्ड स्कैल्प, और उनके सिर पर जो एक जो ब्रेन ट्यूमर था वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। इस एज आउटलाइन बाय अ मेटल सेचर्स, और उसकी जो जो एजेस थे, किनारे थे, बिल्कुल एकदम साफ साफ नज़र आ रहे थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू लीव द वार्ड, अ ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट अराइव विद अ व्हील चेयर, ठीक है, शाहिद वेव्ड हिम अवे डिक्लेरिंग दैट ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऑन हिज ऑन। तो अब वहाँ पर जब हॉस्पिटल में उसके लिए एक व्हील चेयर लाई गई कि वो उस पर बैठ कर निकल जाए, लेकिन शाहिद ने उसको, उस व्हील चेयर को डिक्लेयर कर दिया और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हूँ, व्हील चेयर को मना कर दिया कि मैं उस पर नहीं बैठूँगा, मैं अपने आप में स्ट्रांग हूँ, मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। बट ही वॉज ग्रोगियर देन ही हैड थॉट एंड हिज नी बग्ड आफ्टर नो मोर देन अ फ्यू स्टेप, और जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसको वो बिल्कुल भी चल नहीं पाया, जैसे कुछ कदम चला और फिर उसके डगमगाने लगे। इकबाल वेंट रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर, और एक बार दौड़ कर गया और उस चेयर को, व्हील चेयर को लेके आया, जबकि ये लोग वहाँ पे कॉरिडोर में खड़े थे, होल्डिंग हिम अपराइट, उसको पकड़े हुए थे। एट दैट मोमेंट, उस समय क्या हुआ, लीनिंग अगेंस्ट द व्हील चेयर हॉस्पिटल वॉल, ठीक है, अ काइंड ऑफ रैप्चर डिसेंडेड ऑन शाहिद व्हेन द हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑर्डरली रिटर्न विद द व्हील चेयर। शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल एंड आस्क्ड वेयर ही वॉज फ्रॉम, ठीक है, इक्वाडोर द मैन सेड, एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्रीफली टुगेदर, स्पेनिश ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश आई जस्ट टू रीड लोरका, ठीक है गाइस, इसको मैं चलिए। अब इसमें क्या होता है, जो बंदा शाहिद के लिए चेयर लेकर आता है तो शाहिद उनसे ये पूछते हैं कि आप मतलब बड़ा मुस्कुरा कर, बहुत ही प्यारी से मुस्कान, प्यारी से स्माइल देकर शाहिद उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो। तो वो बंदा बोलता है कि इक्वाडोर से हूँ, द मैन सेड, यानी कि जो आदमी चेयर लेकर आया था, ठीक है, एंड शाहिद क्लैप्ड हिज हैंड्स ग्लीफुली टुगेदर, और शाहिद इसी बात को सुनकर बहुत ज़ोर से ताली बजाते हैं खुशी से, और बोलते हैं कि स्पेनिश ही क्राइड, चिल्लाते हैं एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ठीक है, अपनी पूरी जोरों पर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश जस्ट टू रीड लोरका। तो बोलते कि मैं तो हमेशा से स्पेनिश सीखना चाहता था लोरका को पढ़ने के लिए। अच्छा, लोरका यहाँ पर क्या है, लोरका एक राइटर का नाम है जिनकी किताबें इन्हें शायद पढ़ना अच्छा लगता है। चलिए नीचे भी बता दिया होगा लोरका यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ दिया हुआ है गार्शिया लोरका इज़ अ स्पेन मोस्ट डीपली अप्रिशिएटेड एंड हाईली रिवॉर्ड पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। तो ये भी एक पोइट और ड्रामेटिस्ट हैं जिनकी कहानी इनको पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो सारा कुछ स्पैनिश लैंग्वेज में था। आगे बात करते हैं, शाहिद्स ग्रीगेरियसनेस हैड नो लिमिट्स, ठीक है, देर वॉज नेवर एन इवनिंग when there wasn't a party in his living room. शाहिद जो था, शाहिद के वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ एकदम मायूसी सी हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं था, वहाँ पर खुशियों की कोई लिमिट नहीं थी उनके घर में, और ऐसा कोई इवनिंग नहीं बीतती थी जहाँ उनके घर में, लिविंग रूम में पार्टी ना हो। आई लव इट
दैट सो मैनी पीपल आर हियर। शाहिद का कहना था कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि उनके घर में जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। ही टोल्ड मी वंस, अमिताभ जो घोष हैं वो बता रहे हैं कि वो शाहिद ने मुझे एक बार बताया था, आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर ऑलवेज फूड, और लोग मेरे आते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर में खाना रहता है। आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी, और मुझे मेरे घर में बिल्कुल एक फेस्टिविटी टाइप का रहता है, हर बार फेस्टिवल टाइप का रहता है। इट मीन्स दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड, और मुझे टाइम मतलब मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ, ठीक है, इसको देख कर। तो यहाँ आगा शायद क्या बोल रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होता था कि भाई एकदम डिप्रेशन में चले जाएँ, कि उन्होंने एक मतलब कैंसर है, को भी ब्रेन ट्यूमर है, तो उनके पास ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं लगता था, वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहते थे, ठीक है। हिज अपार्टमेंट वॉज अ स्पेशियस एंड एरी स्प्लिट लेवल अपार्टमेंट, यानी कि जो इस फ्लैट में वो रहते थे वो बिल्कुल स्पेशियस बड़ा था और एरी मतलब हवादार था। ऑन द सेवेंथ फ्लोर ऑफ द न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग, जो अभी वो सेवेंथ फ्लोर पर था और जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो बिल्कुल नई बनी हुई थी। देर वॉज अ केवर्नस स्टडी ऑन द टॉप फ्लोर एंड अ वाइड टेरेस दैट प्रोवाइडेड अ मैग्निफिशेंट व्यू ऑफ द मैनहट्टन स्काई लाइन। अब जहाँ इनका जो जो रूफ होता है वहाँ पर जब जाते हैं तो देखते हैं बाहर से कि एक जो वहाँ पर मैनहट्टन में आसमान की तरफ देखो तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, और वहाँ पर जो नदी है वहाँ पर, ठीक है, जैसे एक ईस्ट रिवर है, तो उस उनकी बिल्डिंग में जो कांच लगा हुआ था उसकी बिल्डिंग में जो कांच लगा हुआ था तो वहाँ पर क्या था, नदी बहती थी, और नदी को जब पानी और कांच की जो रोशनी एक दूसरे में मिलती थी तो वो नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। शाहिद लव दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लीपिंग, तो आ गया ना वही बात, यानी कि जो वाटर फ्रंट था उसका स्लीपिंग, यानी कि वाटर का बहना, और वो उसका जो बहाव होता था शीशे के ऊपर पड़ता था, उसकी परछाई शीशे के ऊपर पड़ती थी, तो एकदम वो रोशनी एकदम जगमगा जाती थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, जैसे कि कोई घाट हो। इनटू द ईस्ट रिवर अंडर द ग्लिटरिंग लाइट्स ऑफ मैनहट्टन, ठीक है। द जर्नी फ्रॉम द फायर ऑफ शाहिद्स बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज वॉयज बिटवीन कंटिनेंट्स। अब बता रहे कि अगर हम लोग शाहिद के मतलब घर से उसके पूरे अंदर तक वहाँ तक पहुँचो, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर तक पहुँचो, तो वो जर्नी ऐसी लगती थी कि बिल्कुल कोई बहुत अच्छे स्वर्ग में आ गए। ऑन द वे अब किस तरह से लगता था तो देख लो, ऑन द वे अप द रिच फ्रेगरेंस ऑफ रोगन जोश, जैसे वो अंदर को जाते थे तो जैसे ही तो रोगन जोश की फ्रेगरेंस आती थी, खुशबू आती थी। एंड हेक वुड इन्वेड द डोर, और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते थे तो वो जो खुशबू थी पूरी फैल जाती थी। ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर, और जैसे ही एलिवेटर में जाते थे तो वहाँ पर भी उनकी वो रोगन जोश की खुशबू फैल जाती थी। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सॉन्ग्स एंड वॉइस, और उसके अगेंस्ट मतलब उसी के अगेंस्ट, यानी कि अंदर से गाने की आवाज़ आ रही होती है, वॉइस दैट वर ऑलवेज इकोइंग ऑफ आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट, और जो उनके अपार्टमेंट से जो वॉइस आती थी बिल्कुल उनकी आवाज़, उनके परिवार वालों की आवाज़ और सॉन्ग की आवाज़ बिल्कुल एक साथ आती थी। इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैड एन ओडली म्यूजिकल साउंड, और एक जैसे उनका दरवाज़ा खुलता था, दरवाजे पर जो घंटी लगी होती उसको दबाते थे, प्रेस करते थे, तो उसको प्रेस करने पर भी एक ऑडली, ठीक है, एक अजीब सी म्यूज़िक का साउंड वहाँ से निकलता था। सडनली शाहिद वुड अपेयर, उसके बाद जैसे ही शाहिद दरवाज़ा खोलता था, ठीक है, तो क्या होता था, फ्लिंगिंग ओपन द डोर, ठीक है, और रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ हीवी इनटू अ फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर, ठीक। तो एकदम वहाँ पर जो हींग की एक खुशबू आती, हींग जानते हो ना, जैसे किचन में मसाला वसाला बन रहा होता है, सब्जी वगैरह बन रही होती, तो शाहिद का जो मेन गेट है, मेन रूम है, वहाँ तक जब ऑथर पहुँचते हैं तो वहाँ पर एकदम खुशबू इस तरह से आती हींग की, जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, और शाहिद बोलते थे ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई, खुशी से वो अपने हाथों ताली बजाते हुए बोलते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा हो कि आप यहाँ पर आए, हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम, कितना अच्छा हुआ कि तुम अपने एक छोटे से मुस्लिम को देखने आए। यहाँ मुस्लिम का मतलब होता है मुस्लिम, ठीक है। इनवेरेबली
देयर वुड बी सम हाफ डजन और मोर पीपल गैदर इन साइड. और वहाँ पर अक्सर ये होता था कि जब भी शायद के कमरे में जाओ तो वहाँ पर आधे से ज़्यादा यानी कि 6 या 7 लोग अंदर इकट्ठा रहते ही थे. अब कौन कौन रहते थे? पोइट्स रहते थे, स्टूडेंट्स होते थे, राइटर्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे. एंड इन द किचन समवन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग थी. और किचन में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पका रहा होता है, ठीक है, ये चाय बना रहा होता है, कुछ ना कुछ पक रहा होता है. ऑलमोस्ट टू वेरी एंड, ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, इवन एज हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम्ड बाई हिज डिसीज, ही वॉज द सेंटर ऑफ प्रिपेंचुअल कर्निवल एंड एंडलेस मेटल ऑफ टॉक, लाफ्टर, फूड एंड ऑफ कोर्स पोइट्री. तो यहाँ देखा जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा, मतलब एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारी है, उसके बावजूद वो अपनी लाइफ को कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं. और उनकी लाइफ को ऐसा देखकर लगता था कि उन्हें कोई बीमारी है ही नहीं है. ही वॉज द सेंटर ऑफ अ परपेंचुअल कार्निवल, ठीक है, एंड एंडलेस मील ऑफ टॉक, लाफ्टर. और उन्हें क्या करना पसंद था, वो मतलब इतनी ज़्यादा बातें करते थे, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, हंसते थे, फूड उनको खाना पसंद है, एंड और पोइट्री भी वहाँ पे चलती रहती थी. कहाँ? उनके रूम में. तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है. उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया. इसका फिर मैं एक बार आपको समरी भी एक्सप्लेन करूँगा और समरी भी एक बार अपलोड कर दूँगा, सो देट आप इजी तरीके से हर एक चीज़ समझ जाए. चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. लेट्स सी, नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर देयर वर्ल्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने लोग थे. शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लॉस ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द इवनिंग्स मील. और शाहिद को बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता था, बिल्कुल भी वो उनसे उलझता नहीं था, यानी कि उसको ये भी फील नहीं होता था कि उसे बुरा लग रहा है. उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि उसकी हर शाम में उसके यहाँ कुछ ना कुछ बनता था और लोग आते थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू शाउट डायरेक्शन टू whoever was in the kitchen. और बार बार वो किचन में इंटरप्ट करता था, बार बार जो भी किचन में होता था, और वो उसको डायरेक्शन दे देता था, मतलब क्या करते थे, निर्देश दिया करता था किचन में, भाई आपको क्या करना है. तो वो क्या बोलता था, येस नाउ एड द दही, नाउ अच्छा अब तुम दही ऐड करो. इवन वेन हिज आई साइट वॉज फॉलिंग, भले ही उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो थोड़ी सी चली गई थी, लेकिन उसको खुशबू से ही पता चल जाता था कि उस अब क्या ऐड होना है. ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो सिर्फ और सिर्फ खुशबू से अकेले ही बता देता था कि उसमें क्या ऐड होना है. एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड, और कि रोगन जोश किस स्टेज पर पहुंच चुका है. एंड व्हाट व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, ही वुड स्निफ द एयर एंड क्राई आउट लाउड. और जब वो चीज़ पककर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो शायद ज़ोर से चिल्लाता है, उसकी खुशबू सुनकर जो हवा में आती है उसको खुशबू सुनकर ज़ोर से चिल्लाता है, आह खाना का मज़ा, खाने का क्या महक है. तो ये हिंदी में बोलता है. अच्छा गाइस, इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो आगा शायद है उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ठीक है, फिर भी वो किचन में इतने ज़्यादा वो थे, एक्सपीरियंस थे कि उन्हें खुशबू से ही पता चल जाता था कि भाई अब क्या ऐड करना है, कि खाना किस स्टेज पर पहुंच चुका है. क्योंकि रोगन जोश के वो बहुत ज़्यादा क्रेजी थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद था रोगन जोश. चलिए आगे चलते हैं. शायद वॉज लीजेंडरी फॉर हिज प्रोवेस इन द किचन. अब शायद इस कला में बहुत ज़्यादा माहिर थे. फ्रिक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग, और अक्सर कई टाइम बहुत अक्सर क्या करते थे, कई दिन बिताते थे, प्लानिंग करते थे एंड प्रिपरेशन ऑफ द डिनर पार्टी के लिए कई प्रिपरेशन करते थे. इट वॉज थ्रो वंस सच पार्टी, एक बार क्या हुआ, ऐसी पार्टी थी गिवन वाइल ही वॉज इन एरिजोना, ठीक है, जब वो एरिजोना में थे. अभी वो कहाँ हैं कोई बताएगा? अच्छा, चलिए कौन कैसे बताएगा, मुझे ही को बताना पड़ेगा, ठीक है. तो देखिए अभी यहाँ पर हम आपको बताते कि जो आगा शाहिद हैं वो अभी ब्रुकलिन में हैं. कहाँ हैं? ब्रुकलिन में. तो लेकिन अब जब ये ब्रुकलिन में हैं तो ये वहाँ कैसे पहुँचे, क्योंकि इससे पहले वो कहाँ रह रहे थे? एरिजोना में रह रहे थे, ठीक है. थोड़ा सा हम अंडरलाइन करते रहें ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है. तो अभी वो कहाँ हैं? एरिजोना में. That he met James Merrill. और जहाँ वहाँ पर ये किससे मिले? James Merrill से मिले. The poet who was to radically alter the direction of his poetry.
और ये वो पोइट हैं जिन्होंने इनकी पोइट्री को बिल्कुल चेंज करके रख दिया, इनकी पोइट्री की जो दिशाएँ थी उनको बिल्कुल चेंज करके रख दिया है। ठीक है, इट वॉज आफ्टर दिस एनकाउंटर दैट ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स एंड वर्ड्स फॉर्म। ठीक है, उसके बाद से ही जो आगा शाहिद अली हैं उन्होंने अपने पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव कर लिए। ठीक है, नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद्स पोएट्री देन जेम्स मेरिल। तो जेम्स मेरिल के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिन्होंने इनकी पोएट्री में इन्फ्लुएंस लेकर जो इनकी पोएट्री में इन्फ्लुएंस लेकर आया हूँ। इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली प्रीफिगर्ड हिज ओन डेथ। एक बार इन्होंने अपनी पोएम में तो उन अपनी मौत के बारे में लिख दिया था। क्या लिख दिया था? आई ड्रीम्ड आई एम एट द कट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। वो ये बता रहे थे कि ये एक पोएम थी उनकी जो उन्होंने लिखी थी। ही अवॉर्डेड द इनवाइट टू मेरिल। और ये जो पोएम थी उन्होंने किसको अवॉर्ड कर दी थी? मेरिल को। और लिखा हुआ था शाहिद हर्ष दिस इज मी। ठीक है, जेम्स द लव्ड वन ऑलवेज लिव्स। तो ये उन्होंने पोएम लिखी थी किसके लिए लिखी थी? हाँ, मेरिल के लिए लिखी थी। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग आंसर दे पाएंगे इसका। आगे चलते हैं। शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर एंड ऑथेंटिसिटी एंड एक्सटीट्यूड इन कुकिंग एंड वुड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड रेसिपी। और शाहिद इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब किचन खाना पकाने में या खाने में इतना ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक होते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से उनके खाने में कोई भी रेसिपी में कुछ भी कमी आए। फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट्स। और जो शॉर्टकट लेते थे, शॉर्टकट का मतलब जो भी किचन में खाना बनाता था और वो जल्दी जल्दी खाना बना देते थे, तो वो शाहिद को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन। यानी कि अपने क्षेत्र में उन्हें खाने का बड़ा मतलब एक पैशन था। ऑन वेरियंट ऑफ इट इन पर्टिकुलर कश्मीर फूड इन द पंडित स्टाइल। और कभी ये बताते थे कि इन्हें कश्मीर पंडित का जो स्टाइल का जो कश्मीर पंडित स्टाइल फूड है वो भी इन्हें कश्मीर में बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अमिताभ घोष बोलते हैं कि आई आस्क हिम वंस वाई दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट टू हिम। एक बार अमिताभ घोष ने आगा शाहिद से बोला था, तो क्या बोला था कि तुम्हें भाई कश्मीरी पंडितों का खाना क्यों पसंद है? ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ अ रिकरेंट ड्रीम। वो बोलते कि ये तो एकदम मेरे सपने में आता है इन विच ऑल द पंडित्स हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वैली ऑफ कश्मीर। और जिसमें मैं देखता हूँ कि कश्मीर के जितने भी पंडित हैं वो चले जा रहे हैं एंड देयर फूड हैड बिकम एक्सटेंड और उनका जो खाने का स्टाइल है वो बिल्कुल गायब होता जा रहा है। दिस वॉज अ नाइटमेयर। और ये एकदम डरावने सपने की तरह था दैट हॉन्टेड हिम और जो उन्हें अक्सर आते थे। एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन। ठीक है, और ये बार बार उन्हें सपने आते रहते थे इन हिज कन्वर्सेशन एंड हिज पोइट्री। अब उन्होंने अपने कन्वर्सेशन में एक पोइट्री में उन्होंने ये लिख दिया है, ये जो उन्होंने पोइट्री लिखी है कश्मीर पंडितों के बारे में ये उन्होंने उनको समर्पित कर दी है। अब इसमें लिखा है एट अ सर्टेन पॉइंट आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ यू। ठीक है, तो बता रहे कि कहीं ना कहीं सच्चे तरीके से हमने तुम्हें खो दिया है। ठीक है, यू नीडेड मी, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी। यू नीडेड टू परफेक्ट मी, तुम्हें मुझे परफेक्ट बनाना था। इन योर एब्सेंस यू पॉलिश्ड मी इन टू एन एनिमी। और तुम लोग ने अपने एब्सेंस में मुझे एक एनिमी बनाकर रख दिया। ठीक है, योर हिस्ट्री गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। यानी कि तुम्हारी जो हिस्ट्री है मेरी मेमोरी से बिल्कुल जा रही है, ख़त्म हो रही है। आई एम एवरीथिंग यू लॉस्ट। ठीक है, मैं वो सब कुछ था जिसको तुमने खो दिया। योर परफेक्ट एनिमी, तुमने मुझे अपना दुश्मन बना दिया। योर मेमोरी गेट्स इन द वे ऑफ माई मेमोरी। तो फिर उन्होंने बोला कि योर मेमोरी, जितनी भी तुम्हारी मेमोरी है, ठीक है, मेरी मेमोरी से बिल्कुल बाहर जा चुकी है। दैट इज़ नथिंग टू फॉरगिव, यू वॉन्ट फॉरगिव मी। अब कुछ नहीं बचा माफ़ करने के लिए और तुम लोग मुझे माफ़ नहीं करोगे। ये कौन बोल रहा है? आगा शाहिद अली बोल रहे हैं। आई हिड माई पेन इवन फ्रॉम माई सेल्फ। वो बोल रहे हैं कि मैंने अपना जो दुख था मैंने अपने आप से भी छुपा लिया। आई रिवील्ड माई पेन ओनली टू माई सेल्फ। मैं सिर्फ और सिर्फ कभी कभी अगर रिवील्ड भी करता हूँ अपना पेन तो मैं अपने आप से ही करता हूँ। देर इज़ नथिंग टू फॉरगिव, कुछ नहीं बचा मुझे मतलब माफ़ करने के लिए और तुम लोग मुझे माफ़ ही नहीं करोगे। इफ़ ओनली समहाउ यू कुड हैव बीन माइन,
तो कहीं ना कहीं अगर तुम लोग किसी ना किसी तरह से मेरे हो जाते, वॉट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है जो पॉसिबल नहीं हो पाती, हर एक चीज़ पॉसिबल हो पाती। ये पूरी उन्होंने पोएम किसको एक्सप्लेन कर दिए, हाँ जो कश्मीरी पंडित हैं और उनको कर दिए। और आप लोग ने कई बार आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना हो कश्मीरी पंडित गायब हो रहे हैं, तो इसका इनको बहुत ज़्यादा दुख है। और वो सोच रहे हैं कि तुम आगा शाहिद अली सोच रहे हैं कि ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, क्यों गायब हो रहे हैं, क्योंकि आगा शाहिद कहीं ना कहीं उनको उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनको क्या कर रहे हैं, उनकी सारी ज़रूरतों को समझ रहे हूँ। आई होप सो। ये रहा आपका फर्स्ट सेकेंड पार्ट, और इसका अब हम लास्ट पार्ट कल एक्सप्लेन कर देंगे। ओके गाइज, हैव अ गुड डे।